हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल देसी फूड किंग। आज हम कुछ अलग और बेनाम नाश्ता लेकर आए हैं कि मैंने सूजी ले लिया है, आधे कटोरी मैंने सूजी ले लिया है, एक कटोरी दही ले लिया है, नमक स्वाद अनुसार, दो लाल मिर्च, सफ़ेद वाली उड़द की दाल, चना दाल और ये जीरा। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं हम। सबसे पहले एक पैन रखेंगे, सरसों का तेल डाल देंगे इसमें हम। तेल गरम हो गया, इसमें हम डालेंगे जीरा, उड़द की दाल, चना दाल। डालने के बाद इसे अच्छे से हम थोड़ा सा भून लेंगे जब तक इन लोग का कलर ना बदल दे। बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी अभी से ही। उड़द की और दाल और चना की दाल दोनों कच्चे हैं, भिगो के मैंने नहीं रखा था, ये कच्चा ही बनाना है इसे। तो ये देखिए मेरा हो गया। अब इसमें हम डालेंगे मिर्चा, इसे भी डाल के हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब हम बंद कर लेंगे, इसे हम थोड़ा ठंडा कर लेंगे, उसके बाद हम मिक्सर जार में डाल के इसे पीस लेंगे। तेल के साथ ही डाल देंगे, अब इसे हम पीस लेंगे अच्छे से। ये देखिए कुछ दरबरा जैसा पीस गया है। अब इसमें हम डाल देंगे सूजी, दही, आप कोई भी दही ले सकते हैं। अब इसे फिर से हम पीस लेंगे एक बार। अभी भी ये गाढ़ी लग रही है मेरी, तो इसमें हम पानी ऐड कर लेंगे। फिर से इसे एक बार हम चला लेंगे। तो ये देखिए अच्छे से पीस आ गया है। बड़े वाला बाउल लेंगे, उसमें हम पलट लेंगे। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा ये मेरा पिसाया हुआ है, तो कुछ इसी तरह रहना चाहिए मेरा। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक, एक चुटकी सोडा। ये सब डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये मिक्स हो गया, अब चलिए इसे हम तावे पे बनाते हैं। अब इसके लिए लेंगे नॉनस्टिक तवा, उस पर लगाएंगे हल्का सा ऑयल, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, छोटा ही बनाएंगे कुछ इस तरह। और इसे हम ढक के पकाएंगे, धीम आंच पे इसे हम पकाएंगे और ढक के पकाएंगे। तो ये देखिए ऊपर से मेरा फूलना स्टार्ट हो गया है, तो हल्का सा ऑयल लगा देंगे हम इस साइड भी और इसे हम पलट लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं पीछे से कितना अच्छा है। तो इसी तरह हम सारे बना लेंगे। अब इसे हम उतार लेंगे, ऐसे सारे बना लेंगे हम। तो फाइनली ये देखिए मेरा नाश्ता बनके एकदम तैयार है। और ये देखिए कितना जालीदार बना हुआ है, एक बार आप लोग देख सकते हैं कि कितना जालीदार बना हुआ है ये, तो खाने में कितना स्वादिष्ट होगा। और इसे आप चटनी या दही के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा होता है। तो एक बार ज़रूर बना के ट्राई करिएगा और कमेंट में लिख के बताइएगा कैसा है। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।